इसीलिए आज की शाम सभी एंटरटेनर्स के नाम, आर्टिस्ट के नाम, राइटर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, कोरियोग्राफर्स, सिंगर्स, जिनके होने से फिल्में होती है और फिल्मों की वजह से हमारा एंटरटेनमेंट, और ये फिल्में हमारी जिंदगी का हिस्सा ही है, और ये फिल्में हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं होती अगर फिल्मों के ये जन्मदाता श्री दादा साहेब फाल्के जी ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र जी नहीं बनाई होती। निर्देशक, निर्माता और लेखक, द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा नेवर शाइड अवे फ्रॉम ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एंड ब्रिंगिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द वे सिनेमा वॉज परसीव्ड बाय द ऑडियंस। 1930 में बस बस और मोहिनी में पहली बार एक फीमेल एक्टर को लीडिंग रोल में कास्ट करके इस महान हस्ती ने अपनी प्रोग्रेसिव विचारधारा का प्रदर्शन किया और उन्होंने अपने फिल्मों के इस सफर में ऐसे ही बहुत से माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। He is the man who gave each one of us, including me, a dream to follow, to be called as creators. Today, it gives me immense pleasure to celebrate this iconic personality, Shri Dada Saheb Phalke Ji, through a special evening, jahan hum Bharatiya cinema ka utsav manayenge. Ladies and gentlemen, welcome to Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards 2021. Come on, guys, zordaar taalunga. Mr. Uday Raj Mishra, director of Amar Aquatic, and Mr. Manish Agarwal, founder of Minimax Advertising. And the winner is? Album of the year goes to Titaliya. Wow. I would like to say some word about my product. Just एक ऐसा प्रोडक्ट हम बनाते हैं जिससे कि आदमी का बुढ़ापा नहीं आता, नी रिप्लेसमेंट करने की कभी लाइफ टाइम जरूरत नहीं पड़ती, सुनने की क्षमता कभी कम नहीं होती, ब्रेन हमेशा अलर्ट रहता है, और सबसे बड़ी खासियत यूथफुल अपियरेंस बनी रहती है, ग्लोइंग। और ये पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा सिंगल प्रोडक्ट है जिसमें कि सभी तरह के अमीनो एसिड अवेलेबल है। ये अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन जो ह्यूमन बॉडी है। ये 21 टाइप के अमीनो एसिड से बनी हुई है और ये पूरे इंडिया का, वी आर द सिंगल मैन्युफैक्चर पॉइंटर एंड सिंगल मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड दे आर वेरी फ्यू मैन्युफैक्चर इन वर्ल्ड। आज ये कुछ समय पहले, मतलब कि वी हैव स्टार्टेड आवर प्रोडक्ट इन 2011, उस समय इस कोलेजन के बारे में कोई जानता ही नहीं था, मरीन कोलेजन के बारे में। इवन कि मोर देन 6 मंथ्स लग गया हमको इंडियन गवर्नमेंट को प्रूव करने के लिए कि एस वी कैन प्रोड्यूस द मरीन कोलेजन। आज जो है साउथ कोरिया, इसराइल, थाईलैंड, यूएसए, जापान, मोर देन 17 कंट्रीज लाइन में है इस प्रोडक्ट के लिए, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू एक्सपैंड आवर कैपेसिटी। और ये बताने का पर्पज ये है कि इंडिया में मोर देन 15 करोड़ आदमी नी प्रॉब्लम से परेशान है और उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इसके लेने से पूरा जो बॉडी में दोबारा रीस्टार्ट हो जाता है कोलेजन बनना, जिससे कि नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं रहती। ग्लूटामिक एसिड जो कि ब्रेन फूड है तो ब्रेन हमेशा अलर्ट रहेगा। हिस्टाडिन जो कि ईयर की प्रॉब्लम, हियरिंग की प्रॉब्लम होती है, वो कभी नहीं होगी। और ग्लोइंग ग्लाइसिन जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथफुल अपीयरेंस, सर, तो उसके कारण कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।